ओके सो यू हैव हर्ड शिवांगी और उसने कितनी सुंदरता से आपको बताया. तो 5BRCC जो भी आता है यहाँ पे 5BRCC बोलता है. बहुत सारे लोग बोलते हैं 5BRCC क्या है. तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज दिया यूट्यूब पे भी और अदरवाइज ऑल्सो कि सर 5BRCC क्या है ये बता दो थोड़ा सा, इसके लिए अलग से वीडियो बनाओ. तो आई थिंक इट इज इन कॉन्टेक्स्ट दैट 5BRCC पूरा तो नहीं बता पाएंगे लेकिन 5 पॉइंट परसेप्शन से शुरू करते हैं. ये हुआ ऐसे था कि हम लीडरशिप के बारे में लीडरशिप को समझना आप दिमाग में नोट करिए. आप एक बार समझ जाएंगे तो बहुत सुंदर लिखेंगे अपने आप. प्रॉब्लम ये हम समझते नहीं लिखना शुरू करते, पहले समझ लो फिर अपनी भाषा में लिखो बहुत अच्छा लगेगा. तो अब SSV में चेक क्या करते हैं, SSV में लीडरशिप चेक करते हैं, लीडरशिप पोटेंशियल चेक करते हैं. और सिर्फ SSV नहीं, लाइफ आपका लीडरशिप पोटेंशियल चेक करती है. लीडरशिप का एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल आकार है. लीडरशिप इज वेरी बिग, SSV उसका छोटा सा हिस्सा. लीडरशिप एक यूनिवर्स है, उसमें SSV छोटा सा हिस्सा. तो लीडरशिप की अगर अच्छी आप परिभाषा अच्छे से समझ लें तो SSV में फिट हो जाएगी. और जो हम टेस्ट लेते हैं, ये जो कोई भी टेस्ट लेता है वो किसके लिए लेता है ये समझना जरूरी है. ये आर्मी में लीडरशिप ऑफिसर्स के लिए ले रहे हैं ये टेस्ट, तो हमें पता चलना चाहिए आर्मी में क्या रिक्वायरमेंट है. तो आर्मी में रिक्वायरमेंट लीडरशिप की है. तो समझना लीडरशिप है कि समझना SSV है, बताइए. तो हम उस पे काम करें ना, हम SSV पे क्यों काम करें, वो तो एक टूल है. उस टूल को हम किसी और जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं. मान लिया मुझे प्रमोशन के लिए कॉर्पोरेट में मुझे प्रमोशन करनी है, एक सीनियर मैनेजर है उसको वाइस प्रेसिडेंट बनाना है या उसको, तो हम कहेंगे ठीक है भाई हमारे पास ये टूल है. अब हम वाइस प्रेसिडेंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है वो समझ लो पहले, फिर उन टूल को इस्तेमाल करो, फिर बता दो ये फिट है कि नहीं. लेकिन हम टूल के पीछे पड़े हुए, हम टूल को ना समझे, हम लीडरशिप को समझे, फिर अपने आप को समझे हमारे में कितनी है, उसके ऊपर काम करें. तो इसके लिए मैंने कुछ एक्सरसाइजेस बनाई थी. तो अब 11 साल से चल रही है वो, 5 एक्सरसाइजेस बनाई थी बड़ी बड़ी. लीडरशिप होती है अंडरस्टैंडिंग, अगर आपके अंदर है चरित्र है, दोनों मिलकर के अंडरस्टैंडिंग और चरित्र दोनों मिलकर आपके अंदर एक पेन खड़ी करते हैं, सेंस ऑफ अर्जेंसी. इफ यू अंडरस्टैंड यू विल फील द पेन. यू अंडरस्टैंड इन कंप्लीटनेस, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यू विल नेवर फील द पेन. एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, आप सोचना है यहां से जाने के बाद तकिए पे सर रख के पूछना अपने आप से, मुझे समझ आती है तो पेन होती है, समझ में नहीं आएगी तो पेन नहीं. कोरोना वायरस अगर समझ में आता है तो पेन होगा, लेकिन जिस किसी गांव में किसी एक अनपढ़ या अनवेयर, अनपढ़ उसको बदकिस्मत है वो अनपढ़ है अनवेयर है, उसको पूछो उसको कोरोना वायरस के बारे में मालूम नहीं है, उसको कोई दर्द नहीं होगा. लेकिन जो कोरोना वायरस के बारे में जानता है समझता है उसको दर्द. यस और नो? यस यस. लेकिन एक अगर कोरोना वायरस के बाद जानने के बाद भी चरित्र इतना ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, किसी की चिंता नहीं करता, कहता मुझे क्या, मुझे तो नहीं हो रहा, मैं तो सेफ हूं, तो उसको भी दर्द नहीं होगा. तो दर्द की दो शर्तें हैं, एक तो अंडरस्टैंडिंग और दूसरा चरित्र. तो पेन होगा, ये लीडरशिप की दो शर्त है, क्योंकि लीडर को पेन होता है, सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है, इसलिए वो स्टेटस चेंज करता है, समाधान लेके आता है, कहता कुछ करना पड़ेगा. ये है लीडरशिप. आप 15 ओएल की को भूल जाइए, वो आपके लिए नहीं मिली. लीडरशिप का बड़ा सिंपल समझने का ये तरीका,
अंडरस्टैंडिंग हमारी कमजोर होती है। मैंने उसके लिए एक एक्सरसाइज बनाई, एक और एक्सरसाइज बनाई, दो तीन एक्सरसाइज बनाई। चरित्र हमारा कमजोर होता है, उसके लिए भी मैंने एक एक्सरसाइज बनाई। और समाधान हमारे को एक स्टेटस चेंज करने का, समाधान सॉल्यूशन करने की आदत नहीं होती, उसकी भी मैंने एक एक्सरसाइज बनाई। समाधान असल में, सॉल्यूशन असल में स्टेटस चेंज करना है ना आपको। दर्द होगा तो स्टेटस चेंज करेंगे, स्टेटस चेंज करना होगा तो चैलेंज आएगी, उसके लिए समाधान निकालना होगा। तो समाधान असल में क्रिएटिव आइडिया होता है, आपका अपना, आपका अपना, बार बार बोल रहा हूं आपका अपना, किसी का उधार लिया होगा। इसलिए लीडरशिप उधार की होती ही नहीं, आपकी अपनी होती है। उसके लिए भी मैंने एक्सरसाइज बनाई, तो ऐसे चार पांच एक्सरसाइज बनाए। तो क्या हुआ, कुछ साल पहले एक लड़का आया है, तो दो बार पहले फेल हुआ था एसीसी में। तो उसने पहली क्लास में 5BRCC पूरा मैंने समझाया, तो बाहर गया उसने कहा, वो पांचों एक्सरसाइजेस मैंने समझाई, 5BRCC नहीं बोलते थे हम, पांच एक्सरसाइज थी, अंडरस्टैंडिंग को कैसे इंप्रूव करना, चरित्र को और समाधान को। तो बाहर गया क्लास से, उसने फोन किया, उसने अपने दोस्त को बोला, ग्रुप तूने मुझे वहां भेजा है ना, ग्रुप पैसे वसूल हो गए और अब मुझे समझ में आ गया मैं फेल क्यों होता हूं। उसके दोस्त ने मुझे फोन किया, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा पैसे की बात करता है, मैंने उसको बुलाया, तुम पैसे की बात करता है, कहने नहीं सर मेरा मतलब वो नहीं था, मुहावरा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, समझ तो गया मैं मुहावरा है। मैंने कहा सचमुच तुझे लगता है कि तुझे समझ में आ गया, कह लगा। मैंने कहा गुड, तो मन ही मन बोला उसको, मैंने उस वक्त नहीं बोला, अब लगता है सिलेक्ट हो जाएगा लड़का। थोड़े दिन के बाद रिजल्ट आया, वो सिलेक्ट हो गया और मेरिट में नंबर वन। तो जब वो आया ऐसे बच्चों से बात करने लगा, तो कहने लगा गुरु जो एक्सरसाइजेस है ना इनको करते रहो, ये लाइफ की एक्सरसाइजेस है, ये लाइफ इंप्रूवमेंट एक्सरसाइजेस हैं, इनको करो डेली करो, क्योंकि मैं दो बार फेल हुआ था, मुझे पता है मैं क्यों फेल हुआ था, मैं तो अच्छा हूं लेकिन मैं यहां बहुत कमजोर हूं, मैं दूसरों की बातें करता था, आर्टिफिशियल था, फेक था, इनको करो, इनके करने से अपने आप पता नहीं चलता कब इंप्रूव हो गए। मैं वहां गया, मैं खुद ही हैरान था मैं ऐसी क्यों बात कर रहा हूं, ऐसे उसने कहा। और उसने एक बात बोली, कहने लगा मैं ये पांचों एक्सरसाइज भूल ना जाऊं इसलिए मैंने इसका एक एक्रोनिम बनाया था, एब्रीवेशन जिसको आप लोग कहते हैं, एब्रीवेशन एक्रोनिम होता है, मैंने बनाया था ताकि मैं भूलू ना, हर दिन करूं, हर वक्त याद रखूं। मैंने इन एक्सरसाइजेस का नाम दिया था 5BRCC, मैं भूलू ना, क्योंकि हमें फौज में ये कोड वर्ड बनाने की आदत पड़ी हुई है, तो मैंने 5BRCC बनाया और तुम सब लोग करना। तो उस दिन मैंने कहा, ये करीब 5-6 साल पुरानी बात है, उस दिन मैंने कहा गुरु अब से हम नाम 5BRCC ही रखेंगे, आपने दे दिया ये। 5BRCC का मतलब पहली एक्सरसाइज जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है, सचमुच इंप्रूव होती है, उसका नाम है 5-point perception। ये तो भगवान ने बना के दे दी, मैंने पकड़ ली बस, कॉपीराइट है भाई, कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, मुझे नहीं मालूम कैसे भगवान ने दे दी, पर मुझे एहसास हुआ, मैं क्योंकि मैं बहुत शिद्दत से सोचता हूं कि ये इतने अच्छे बच्चे हैं फेल क्यों हो रहे, तो मुझे लगता है इसकी समझ में ये कारण है। तो मैंने देखा अरे भगवान ने दे दिया, हम समझते नहीं, हम बहुत नैरो सोचते हैं, हम एक पॉइंट पे दो पॉइंट पे चीजों को समझते हैं और फिर खत्म कर देते हैं, हम बहुत नैरो सोचते हैं। उसका कारण है हम किसी भी चीज को समझते हैं उसके दो पहलू देखते हैं, बहुत हो गया तो तीन देखेंगे, लेकिन हर चीज को समझने के लिए 5 पहलू बहुत जरूरी है। ये 5-point perception, अगर आप देखो तो भगवान ने आपको 5 senses दिए हैं, क्यों, भगवान चाहते हैं कि आप इस दुनिया को पूर्ण रूप से देखें, 5 पहलू देखें, नहीं तो समझ नहीं आएगी दुनिया, आप देख सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते, समझ नहीं आएगी,
आप देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते, समझ नहीं आएगी। आप देख सकते हैं लेकिन टेस्ट नहीं कर सकते, समझ नहीं आएगी। आप देख सकते हैं लेकिन स्मेल नहीं कर सकते, समझ नहीं आएगी। पांच सेंसेस दिए ना भगवान, कंप्लीट परसेप्शन के लिए दिए हैं। तो आप हर पहलू को अगर देखेंगे तो 5 पॉइंट्स में नजर आएगा। दुनिया का कोई भी पहलू, कोई भी चीज, अगर आप देखना चाहते हैं, मान लिया कि मैं आपसे सवाल ही पूछ लेता हूं, कोई पूछ लेता हूं, भी आपका टीचर, हू इज योर बेस्ट टीचर, एक इंटरव्यू का सवाल। तो एक आदमी कहता है माय टीचर इज सो एंड सो, ही इज वेरी गुड बिकॉज ऑफ वन रीजन। तो टीचर समझ नहीं आया आपको, लेकिन अगर आपको टीचर समझना तो उसके पांच बड़े बड़े पहलू हैं, उसका नॉलेज है, उसका मेथड ऑफ टीचिंग है, उसका मोटिवेशन एंड गाइड है, उसका ओन कैरेक्टर है, और मे बी जो आपको पसंद है सेंस ऑफ ह्यूमर और एनीथिंग एल्स। टीचर बनता ही चार पांच बड़ी बड़ी चीजों से, लेकिन आप जब समझें तो उस वक्त परसीव ऐसे करें कि पांच चीजें देखें। मैं तो कहता हूं कि आपको अपनी बहन के लिए अगर लड़का देखना है क्या चीजें देखोगे, तो पांच देखो, नहीं तो गलत लड़का चुन लोगे। आपको अपना लाइफ पार्टनर चुनना है तो पांच चीजें देखो। मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूं, ये 5 पॉइंट परसेप्शन। मैं आपको पूछूं यू आर द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, और यू आर द कंपनी कमांडर, और यू आर द सीईओ ऑफ योर यूनिट, और एनी अदर अपॉइंटमेंट आई कैन मेक, टेल मी हाउ विल यू इंप्रूव द एफिशिएंसी। यू आर अ रिकॉर्ड ऑफिसर, यू आर अ क्वार्टर मास्टर, जो फौजी लोग हैं, तो उसमें भी पांच पहलू देखने पड़ेंगे, तब आप अच्छा उसको समझ पाएंगे। आपको समझ ही नहीं आता तो आप क्या करेंगे। तो पहली क्वालिटी लीडर की अंडरस्टैंडिंग है, जिसको होगी उसको पेन होगा तो समाधान लाएगा, समाधान लाएगा यानी कि स्टेटस चेंज करने की कोशिश करेगा। स्टेटस चेंजर ही लीडर होता है, याद रखना। इस दुनिया के इतिहास में, लीडरशिप के इतिहास में, जिस जिसने स्टेटस चेंज किया वो लीडर बन गया। अलग अलग लेवल्स पे था लेकिन चेंज किया स्टेटस। क्रिएटिविटी, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से, पुराने से नहीं हुआ, नया ही कुछ। इसलिए आपके पास एप्पल 10, 11, 20 बनाते जा रहा है, सैमसंग भी देखो, लीडर रहने के लिए भी ये काम करना पड़ता है आउट ऑफ द बॉक्स। हर फील्ड में, रिलीजन, स्पोर्ट्स, कॉमर्स, ट्रेड, एनीवे, पॉलिटी, एवरी। तो मैं आपको अगर पूछूं आप प्रिंसिपल हैं बताइए क्या, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जस्ट सिंपली परसीव कॉलेज इन 5 पार्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, करिकुलम, स्पोर्ट्स और एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी एंड एनी अदर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या भी थे उसमें भी पांच आ जाएंगे। आप कोई भी पहलू ले लें वो 5 पॉइंट परसेप्शन। हर चीज में एक आधा कोई एक्सेप्शन हो गया था, नो प्रॉब्लम, बट आई हैव नॉट फाउंड एनी। आप अपने ये बाल को भी ले लो ना, तो बायोलॉजी के स्टूडेंट भी उसमें पांच हिस्से निकालेंगे, कहेंगे अगर बाल को भी समझना है, दांत को भी समझना है, तो पांच है। तो डेंटिस्ट होगा ना, उसको पांच हिस्सों में बांटेगा, तभी उसको दांत समझ में आएगा, उन्हें समझ में आएगा। 5 पॉइंट परसेप्शन ये है। तो अभी ब्रॉड होगी मेरी अंडरस्टैंडिंग। अगर मुझे गोल है, मेरा कोई भी गोल, Life is about goal, challenge and solution. तो अगर मुझे गोल पूरा करना है तो उसकी पांच चैलेंजेस आएंगी, एक नहीं आएगी। और एक चैलेंज को सॉल्व करने के लिए पांच सोल्यूशन आएंगे, तो 25 सोल्यूशन हो सकती हैं। आपसे तो ऐसे भी 5-7 से खुश हो जाता है। थिंक, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप ज्यादा बता सकते हैं, आपका थोड़ा टाइम आप थोड़ा बताएंगे। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 5 पॉइंट परसेप्शन 5 PRCC का पहला हिस्सा है। तो अगर किसी चीज को आप देख रहे हो तो उसके पांच हिस्से हैं, उस पांचों में से हर एक के पांच हिस्से हैं, अगर उसको पूरा समझना है। तो एक मैं आपको और उदाहरण देता हूं SSB से। आपको एक रैपिड फायर क्वेश्चन पूछा जाता है SSB में। आप सब जानते हैं, आजकल सबको सब कुछ पता है, और कहीं ना कहीं ये भी एक कारण बन जाता है, इतना कुछ पता होता है, मैनिपुलेशन स्टार्ट हो जाती है दिमाग में, कह रहे अच्छा ये पूछते हैं, इसका जवाब ऐसे देंगे, झूठ सामने आ जाता है। झूठ झूठ कभी लीडर नहीं बनाता, सच लीडर बनाता।
सच बोलने की सबसे बड़ी खूबी यह है कि कुछ याद नहीं करना पड़ता। झूठ बोलने पे बार बार झूठ बोलना पड़ता, पकड़े जाते हो। कैसी जिंदगी जिएंगे झूठ की सच की? सच की जियो, देखो अपने अंदर, आपके अंदर अपने एक एक अलग से मुस्कान, तेज, एनर्जी आ जाएगी। तो एक रैपिड फायर क्वेश्चन आता है, 20-25 सवाल पूछ लेते। एक आदमी है वो 25 के 25 जवाब दे देता है, एक आदमी कंफ्यूज हो गया और टेंस हुआ जा रहा है, अरे तेरी 15 20 25 इतने सवाल। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसने 5-point परसेप्शन किया होगा ना वो बोलेगा यार 5 सवाल हैं, हर एक के 4-5 हैं, 25 हो गए। कैसे? बोलेगा टेल मी अबाउट योर फैमिली, इन दैट टेल मी हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, हुम डू यू कन्फाइड इन, टेल मी वन इंसिडेंट ऑफ योर फैमिली विच इज हैप्पी इंसिडेंट एंड वन विच इज नॉट सो हैप्पी, टेल मी अबाउट योर एजुकेशन, विच आर द स्कूल्स दैट यू अटेंडेड, विच वन यू लाइक द मोस्ट एंड व्हाई, हु वाज योर बेस्ट टीचर whom you like and why, and who was your teacher that you did not like, and any incident from your school which is a sad one. Then tell me about your friends, how many are there, who's your best friend, tell me one incident where you people did some mischief and you were caught, and one incident, one friend with whom you had an argument, and tell me who won the argument or who lost or whatever he may decide. And then tell me why you want to join army, what are the qualities required for to become an officer, which branch you want to join and why, and how do you see yourself 5 years from now in the army, and tell me one weakness and how you improve. Ab dekho maine itne sare sawal puche, jo aadmi 5-point perception har din karta aa raha hai wo phat se pakad lega yaar, pehle family ke bare mein 5 sawal puche, fir education ke puche, fir friends ke puche, fir army ke puche, tension ki baat hai। लेकिन जो जो करना नहीं चाहता, और मैं एक नेचुरल बात बता रहा हूं आपको, इसमें कोई अननेचुरल है, एक नेचर है हमारी, हम समझते हैं, लेकिन कई बार लेजीनेस के कारण, कई बार पबजी के कारण, कई बार लेट सोने के कारण, कई बार दिमाग में फितूर है शॉर्टकट के कारण, ये हम नहीं करते। जिसको समझ में आ गया यार हर चीज 5-point परसेप्शन है, हर चीज पर आप बने ही 5 एलिमेंट से हैं। आप अगर देखोगे कितने कपड़े पहने तो 5 बड़े बड़े आइटम हैं, तो कम कर दो कहीं नंगे पुंगे हो जाओ। इफ यू लुक एट योर फूड दैट यू ईट एवरी डे, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड देन देयर विल बी 5 मेजर पार्ट्स ऑफ इट, एंड योर बॉडी हैज गॉट 5 मेजर पार्ट्स, एवरी एंड एनीथिंग हैज गॉट 5 पार्ट्स, व्हाई यू आर रिस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ टू 1 or 2। अब आपको पता चल गया 5 है, टेंशन है, स्ट्रेस है, 5 नहीं 4 तक तो पहुंचोगे, 4 नहीं 3 तक तो पहुंचोगे, बात बन जाए, कम से कम 1 or 2 पे तो नहीं टिकोगे। प्लीज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मैं कई बार बहुत हैरान रह जाता हूं, मैं पूछता हूं हां भाई बताओ तुम्हारी स्टेट में क्या प्रॉब्लम्स है, कहता सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो कितना नैरो सोच रहा है, मैं पूछ रहा हूं प्रॉब्लम्स क्या है, मैं इशारा भी कर रहा हूं, और तो क्या कह रहा है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, देखो कितना नैरो सोच, सवाल को ही उल्टा कर देता है। क्यों? क्यों नैरो सोचने की आदत पड़ गई। लेकिन जिसको 5-point परसेप्शन, वो कहेगा सर ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, ये सचमुच ब्रॉड सोचता है। तो आज के लिए इतना ही, 5-point परसेप्शन का एक कॉन्टेक्स्ट भी था, मौका भी था, दस्तूर भी था, मैंने कहा चलो लगे हाथ बता देते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 5BRCC क्या है सर, 5BRCC क्या है, 5BRCC इज एन एक्रोनिम फॉर 5-point परसेप्शन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, रोल प्ले, कनेक्टिविटी, क्यूरियोसिटी। इनसे अंडरस्टैंडिंग, कैरेक्टर और सॉल्यूशन फाइंडिंग, स्टेटस चेंज करने की एक प्रवृत्ति हमारे दिमाग में, हमारे जीवन में आ जाती है, हमें कोई आडंबर नहीं करना पड़ता, और हम जो नेचुरली अपने आप को इंप्रूव करते चले जाते हैं, और हम कमियों के साथ सेलेक्ट होंगे। हमें ये नहीं सोचना है कि हम परफेक्ट हो जाएंगे, परफेक्ट बनने की कोशिश हमें जरूर करनी है, लेकिन परफेक्ट हमें कभी होंगे नहीं जिंदगी। तो हम इंप्रूव करते चले जा रहे हैं, हमारा ग्राफ ऐसे जा रहा है, विल बी सिलेक्टेड, हमारा ग्राफ ऐसे है, हम बहुत अच्छे हैं, हम तो कुछ नहीं करेंगे, यू आर नोवेयर। दिस इज द ग्राफ ऑफ अ लीडर, ही ऑलवेज कीप्स इंप्रूविंग टिल द लास्ट ब्रेथ, नॉट टिल लेसेस। ओके, सो आई थिंक दैट
should give you some direction. That's about all. Next video, we'll talk about the rest, other parts of 5PRCC.